of Education of Krishna Public Senior Secondary School. Now today's topic is trigonometry for Hindi medium of 10th class. Trigonometry की हम बात करें तो त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति का हम सबसे पहले देखेंगे तो मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति है क्या चीज और इसके कितने चैप्टर आते हैं 10th क्लास में मैथ्स में, सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे. सबसे पहले तो हम इसको बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे हम इसकी. चलो बात करते हैं त्रिकोणमिति की. त्रिकोणमिति इस वर्ड का मतलब होता क्या है, त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा होती है. क्या होती है, गणित की एक शाखा होती है. गणित की वह शाखा या गणित की यह शाखा क्या बताती है, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य क्या बताती है, व्यवहार बताती है. त्रिभुज की बात करें हम तो गणित की यह शाखा जो पक्षों के संबंधों गणित की यह शाखा मतलब त्रिकोणमिति गणित का ही पार्ट हो गया. गणित की यह शाखा जो पक्षों के संबंधों और त्रिभुज के कोणों का व्यवहार करती है. मतलब त्रिभुज की कोण और भुजाएं इन दोनों के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्री है या त्रिकोणमिति है हमारे पास वो एक रिलेशन रखती है, व्यवहार करती है. मतलब रिलेशन रखती है इसकी और हम देखें जो कि कुछ निश्चित हिस्सों से दूसरे आवश्यक हिस्सों की कटौती करके जो कुछ निश्चित हिस्सों से दूसरे आवश्यक हिस्सों में कटौती करने के तरीके और के तरीके और सामान्य संबंधों के भी होते हैं. हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में कि त्रिकोणमिति हमारे पास एक गणित की शाखा होती है, गणित का पार्ट होता है जो कि यूज होता है, उपयोग में आता है एक त्रिभुज के कोणों के साथ व्यवहार करने में. त्रिभुज के कोणों के साथ व्यवहार इस तरीके से करता है कि त्रिभुज का पहले कोण मापेंगे, कोण मापने के बाद में उसमें आधार कर्ण और लंब को ज्ञात करेंगे. चलो ये तो हो गया हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन. अब त्रिकोणमिति को हम तीन भागों में बांटते हैं. त्रिकोणमिति को हम कितने भागों में बांटते हैं, त्रिकोणमिति तीन भागों में बांटा है. मतलब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके पार्ट देखेंगे, इसी को हम ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसके तीन भाग निकलते हैं. इसके हमारे पास तीन भाग निकलते हैं. फर्स्ट भाग होता है हमारे पास ट्रायंगल. क्या होता है पहला भाग हमारे पास ट्रायंगल. दूसरा भाग होता है गोनिया. और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है मेट्रोन. पहले भाग की बात करें हम ट्रायंगल की तो ट्रायंगल मतलब होता है हमारे पास थ्राइस और इसको हम बोलते हैं तीन. इसको हम बोलेंगे तीन. दूसरी भाग की बात करें हम गोनिया तो गोनिया मतलब होता है एन एंगल जिसको हम बोलेंगे कोण. तीसरे भाग की हम बात करें तो वो होता है हमारे पास मेट्रोन. मेट्रोन मतलब होता है मेजर जिसको हम बोलते हैं मापना कि
कोणों के व्यवहार को मापने ही हमारे पास क्या होता है, त्रिकोणमितीय होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम उसको कहते हैं। अब जैसे हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हमेशा हमें समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज में भी हमारे पास, जैसे मान लो हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी, इसमें हमेशा 90 डिग्री कोण बी हो सकता है। इस जगह जो भी कोण होगा वो हमेशा हमारे पास 90 डिग्री होगा, चाहे इसके नाम हम ए को यहाँ डाल सकते हैं, बी को यहाँ रख सकते हैं, नाम हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करें हम इसका दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट हम देखें तो हमारे पास आता है लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार। लंब कर्ण और आधार की हम बात करें तो लंब होता क्या है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है, पहले तो हम ये बात करेंगे। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज हम जैसे ही लेते हैं तो उसे हमें नाम भी देना होगा। चलिए हमने नाम दे दिया ए बी सी। यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, तब ए और बी हमारे पास क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। चलो हम इसके आगे की बात करते हैं, इसको तो छोड़ रहा हूं। ए और सी तो हमारे पास न्यून कोण होंगे। अब मान लीजिए हमें थीटा, कोई भी कोण थीटा, वो हमें कोण ए पर दे रखा है, हमें कोई भी कोण है थीटा वो कोण ए पर दे रखा है। जब भी हमें दिया हुआ कोण ए पर होगा, जब भी हमें दिया हुआ कोण ए पर होगा तो इसके जस्ट सामने वाली साइड, इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये हमारे पास हमेशा लंब होगी, ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, लंब होगी। तो हम बात करें BC बराबर क्या हो गया, हमारे पास लंब हो गया। ठीक है, ओके। और जिस पर हमारे पास कोण थीटा आंतरित हो रहा है, गिर रहा है, वो हमारे पास समझे क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। तो ए बी हमारे पास क्या है, यहां से आधार है। नेक्स्ट हम बात करें तो थर्ड लास्ट कर्ण हमेशा 90 डिग्री कोण के जस्ट सामने वाली साइड कर्ण होती है, या फिर हम ऐसे देखें तो बची हुई साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये हमारे पास तीनों चीजें क्लियर हो गई है, ओके। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि ये हमारे पास कोई भी कोण है, सॉरी कोई भी त्रिभुज है जिसमें ए बी सी इस तरीके से नाम अंकित है और वो भी सेम 90 डिग्री हमारे पास बी पर है। इसका मतलब हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज है, हमें इसमें आधार कर्ण और लंब ज्ञात करना है। अब बात करते हैं कि अब इस बार हमारे पास जो कोण है वो किसके ऊपर है, एंगल सी के ऊपर, मतलब कोण सी के ऊपर हमारे पास थीटा है। अब बात करते हैं हम, तो मैंने आपको पहले इस वाले में भी बताया है कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड लंब होगी, तो अब इस थीटा के जस्ट सामने वाली कौन सी होगी, ये वाली। सो दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर, इट मींस लंब हो गई। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या हो गया, इसमें लंब हो गया। अब हम बात करें कि ये जो नीचे वाली साइड बची हुई है इस पर ये कोण आंतरित हो रहा है, गिर रहा है, तो हम बात करें तो ये हमारे पास आधार हो गया। क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया। इसका मतलब इस बार हमारे पास क्या हो गया, बीसी आधार हो गया, पहले बीसी हमारे पास लंब था। पर बात करें कोण बी के जस्ट सामने वाली तो एसी हमारे पास क्या रहेगा, कर्ण ही रहेगा। तो ये हमारे पास कर्ण ही होगा।
ये पहले भी हमारे पास क्या था, कर्ण ही था। चलिए जल्दी से इसको फटाफट फास्ट क्विकली राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपातों में बांटना, अनुपातों में उसको समझना, सब कुछ देखेंगे। चलिए फटाफट राइट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करें तो हम एक सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक त्रिभुज लिया जिसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी। इस त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात करें तो एक त्रिभुज के अंदर हम कोणों की सबसे पहले बात करें तो ये हमारे पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा है, और सेम वही हमारे पास 90 डिग्री किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। क्लियर है। अब हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इनको देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि BC के समांतर हम एक साइड लेते हैं, ये ले लिया हमने BC, इसको नाम दे दिया B डैश, इसको दे दिया C डैश। एक और साइड लेते हैं हम, इसको नाम दे दिया B डबल डैश, इसको दे दिया हमने C डबल डैश। क्लियर दैट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बात, तो जो हमारे पास एबी अनुपात बीसी होगा, इसका मतलब अनुपात, अनुपात वही बात होती है जो हम सिंपल मैथ्स में देखते हैं अनुपातों में बांटना। तो जो हमारे पास एबी अनुपात बीसी होगा वही हमारे पास एबी डैश अनुपात बी डैश सी डैश होगा, ए बी डैश बी डबल डैश सी डबल डैश होगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास AB अनुपात BC आएगा, AB बटा BC आएगा, वही इन दोनों का आंसर होगा, वही सेम अनुपात इन दोनों का भी होगा। इट्स मस्ट कंडीशन, ओके। अब हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि अनुपात हमारे पास कंप्लीट हो गया तो उसका ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से क्या मतलब हुआ या क्या रिलेशन हुआ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को 6 भागों में बांटा गया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली में एक्सप्लेन करें तो बात करते हैं हम लाल बटा रेखा से, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का हमारे पास एक वर्ड है जिसके माध्यम से इसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम, तो हम बात करें लंब बट्टा कर्ण की, तो लंब बटा कर्ण हमेशा हमारे पास होगा साइन थीटा, और हम बात करें आधार बटा कर्ण की तो आधार बटा कर्ण होगा कोस थीटा, और बात करें हम लंब बटा आधार की तो ये होगा हमारे पास टैन
इसी का हम उल्टा करते हैं तो आधार बटा लंब हमारे पास हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं, तो sin थीटा को हमने क्या लिया, l बटा k, cos थीटा को हमने लिया आधार बटा कर्ण, इसको हमने लिया लंब बटा आधार, cot थीटा को हमने लिया इसका जस्ट उल्टा मतलब आधार बटा लंब, k बटा a और k बटा l। आया समझ में आपको? क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तो l का पूरा मतलब क्या होगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, नेक्स्ट देखिए तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। चलिए हम बात करें, ये सिंपल हमने जो भी हमारे पास त्रिकोणमितीय छह प्रकार के अनुपात होते हैं तो छह के छह प्रकार हमने देख लिए। अब हम इसको त्रिभुज से रिलेट करेंगे। कोई भी हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज ले लिया, इसमें ले लिया ए बी सी। अब इस बार मान लो थोड़ी देर के लिए लेते हैं थीटा, इसके ऊपर लेते हैं इसके ऊपर, और 90 डिग्री हमारे पास सेम बी के ऊपर होगा। अब मैंने जब भी आपको बताया था कि थीटा किस जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और थीटा जिसके ऊपर आंतरित हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारे पास, आधार हो रहा है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है इसमें, कर्ण होती है। चलिए हम ये तो जानते हैं, तो हम इन तीनों चीजों को कनेक्ट करते हैं कि लंब बराबर क्या होता है हमारे पास, ए बी साइड है, आधार बराबर क्या है हमारे पास, बी सी है, और कर्ण बराबर हमारे पास क्या है, ए सी है। क्लियर? अब हम देखें तो लंब, अब हम इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक त्रिभुज के माध्यम से इसको समझना है, ठीक है। तो जब भी हम थीटा एक कोण ले लेते हैं तो इस थीटा को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, थीटा को हम यहाँ से हटा देंगे, और थीटा किसके ऊपर है हमारे पास, सी के ऊपर है, तो यहाँ सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी, क्योंकि हमारे पास थीटा किसके ऊपर है, कोण सी के ऊपर है। लंब, लंब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखें तो AB की माप जो भी होगी, मतलब AB साइड है, इसकी माप चाहे 4 सेंटीमीटर हो, 5 हो या 6 हो, जितनी भी इसकी माप होगी वो हम यहाँ रख देंगे। और हम बात करें कर्ण की तो कर्ण हमारे पास है AC, आधार क्या है हमारे पास BC, और कर्ण हमारे पास है वही सेम AC, लंब हमारे पास है AB और आधार हमारे पास है BC। क्लियर है? आधार हमारे पास है BC, लंब हमारे पास है AB। अब हम देखें तो ये हमारे पास है AC बटा BC, नेक्स्ट हम देखें तो ये हमारे पास है AC बटा AB। I think क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल अच्छे से। चलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ओके, क्योंकि हमें हमेशा के लिए इसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए हमें इसको डन करके रखना है। क्लियर है? ओके, राइट डाउन फास्ट, कॉपी इट फास्ट। साइन थीटा के अनुपात थे वो कोसेक थीटा के जस्ट रेसिप्रोकल थे,
जस्ट वैसी प्रॉपर थे, मतलब उल्टे थे। तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा के जस्ट अनुपात क्या थे, कोसेक के जस्ट अपोजिट थे। ओके, जैसे मैं बात करूं लाल बट्टा कक्का से, मैं देख के बताऊं आपको, तो साइन थीटा के हमारे पास क्या थे, लंब बटा कर्ण था साइन थीटा का, और कोसेक थीटा का देखें तो इसका जस्ट उल्टा, मतलब कर्ण बटा लंब, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इसका फर्स्ट वाला सूत्र आ गया। ऐसे ही हम सेम देखें तो सेक थीटा क्या होता है, एक बटा कोस थीटा होता है। थर्ड टेन थीटा का कोट थीटा क्या होता है, एक बटा टेन थीटा होता है। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम यदि आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर वन। अब ये वन कैसे होता है ये मैं आपको प्रूव करना बता देता हूँ कि कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा हम एज इट इज ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा डॉट साइन थीटा, ऐसे कैसे साइन थीटा से साइन थीटा का हमारे पास रिमाइंडर रह गया 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी यहां से आती है। सेकंड हमारे पास वो ही सेम sec थीटा डॉट cos थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड देखते हैं cot थीटा डॉट tan थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो तीन बेसिक फार्मूलास जो ज्यादातर यूज आते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा को हम sin / cos की फॉर्म में लिख सकते हैं, sin थीटा / cos थीटा। ये भी हम इसी से लिख सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं sin थीटा होता है हमारे पास लंब / कर्ण, और cos थीटा होता है हमारे पास आधार / कर्ण। कर्ण से हम कर्ण कट कर देते हैं तो क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार हमारे पास क्या होता है tan थीटा। तो sin / cos समझ लिया तुमका tan थीटा। ऐसे ही बात करें तो इसका जस्ट उल्टा, तो ये cos थीटा / sin थीटा हो जाएगा cot थीटा। और नेक्स्ट हम देखते हैं तो cot थीटा हमारे पास हो गया sin में, cot थीटा को हम tan थीटा की फॉर्म में देखें तो 1 / tan थीटा हो जाता है। चलिए हमारे पास आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम और भी बात करेंगे, इनमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज आप अपना ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में उसका 100% सॉर्ट आउट करेंगे हम। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच भाई।